अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मुर्गियों के कारोबार के बारे में। हम आम मुर्गियों के कारोबार की बात नहीं कर रहे, हम फैंसी मुर्गियों के कारोबार की बात कर रहे हैं कि आप फैंसी मुर्गियों का कारोबार किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, स्कूल लेवल में हैं, कॉलेज लेवल में हैं या यूनिवर्सिटी लेवल में हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, घरेलू खवातीन वगैरह भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो अभी आपको बताएंगे कि आप फैंसी मुर्गियों का कारोबार किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक फैंसी मुर्गी की कीमत जो है वो बाज़ार में 5 से 6 हज़ार है और एक मुर्गी की कीमत कम से कम 3 हज़ार है। इसी तरह बात कर लेते हैं असील मुर्गे या मुर्गी की। एक असील मुर्गे की कम से कम मार्केट में कीमत 5 हज़ार है और मुर्गी की कीमत जो है वो 3 हज़ार है। तो आप किस तरह जो है वो फैंसी मुर्गियों और असील मुर्गियों का कारोबार करके अपने हालात ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी आपने ये काम करना है कि सिंपल पहले 2 पिंजरे आपने तैयार करने हैं। अगर आप सिटी वगैरह में रहते हैं तो मार्केट से जो है वो लोहे के 2 पिंजरे ले लें, अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो लकड़ी का पिंजरा खुद तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये काम करना है कि आप मंडी वगैरह में चले जाएं, मंडी से 20 चूजे जो हैं वो आपने खरीद लेने हैं, ठीक है। 10 चूजे असील होने चाहिए और 10 चूजे जो हैं वो फैंसी होने चाहिए। और ये जो चूज़े आप ख़रीदेंगे, आप 300 रुपये में जो है वो आपको एक चूज़ा पड़ जाएगा और 20 चूज़े जो हैं वो आपको 6 हज़ार में पड़ जाएंगे। अभी जो है वो आप मार्च के महीने में ये चूज़े ख़रीद लें। मार्च के महीने में जैसे ही आप ये 20 चूज़े ख़रीद लेंगे, फैंसी चूज़े ख़रीद लेंगे, आपके पास घर में पिंजरे की सहूलत भी मौजूद है, आप इनके लिए अगट्ठी जो है वो मंडी से ही खुराक भी ले आएँ। तो जुलाई में ये चूज़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और एक चूज़ा जो आपको कम से कम बिकेगा, एक मुर्गी 3 हज़ार रुपये की कम से कम बिकेगी और एक मुर्गा जो है वो कम से कम 5 हज़ार में बिकेगा। तो इसके बाद जुलाई में आपने ये काम कर लेना है कि ये जो आपके 20 चूज़े थे ये जब तैयार हो जाएंगे, मुर्गियाँ मुर्गे बन जाएंगे, तो आपने 10 को फरोख्त कर लेना है जुलाई में। तो जब आप जुलाई में इनको फरोख्त करेंगे तो एक जो चूज़ा था आपने 300 रुपये का लिया था, मार्च में ये चूज़ा जो है वो आपको 3 हज़ार में या 5 हज़ार में बिकेगा। एक मुर्गी का रेट जो है फैंसी का कम से कम 3 हज़ार है और एक फैंसी मुर्गे का रेट कम से कम 5 हज़ार है। इसी तरह एक असील मुर्गे का रेट जो है वो 5 हज़ार है और एक असील मुर्गी का रेट जो है वो 3 हज़ार है। कम से कम में बहुत लो रेट बता रहा हूँ। और अगर इनकी अंडों की बात की जाए तो इनका एक अंडा जो है वो कम से कम 50 से 100 रुपये का है। ओएलएक्स पर भी आप इनके एग्स वगैरह सेल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस बिज़नेस को यहाँ तक महदूद नहीं रखना बल्कि वक्त के साथ साथ इसको तरक्की भी देनी है। अगर यकीनन आप इसको वक्त के साथ साथ तरक्की देंगे तो आपका कल एक मार्केट में नाम होगा और आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो